दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इस प्रकार का वॉइस सर्च आइकन को किस प्रकार से बनाना है। पूरा स्टेप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चैनल में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं प्रकाश। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने अपना न्यू पेज बना चुका हूँ। सबसे पहले मेनू बार में से व्यू में क्लिक करेंगे, पेज से पेज बॉर्डर को यहाँ पर सेट कर लेता हूँ और टूल बॉक्स में से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ साइड में। और पिक टूल लिया, इसका साइज को मैंने डाल देनी है 80x160 और इंटर प्रेस करूंगा। इस प्रकार से ये बन जाना है। सेप टूल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इसका शॉर्टकट F10 है, आप प्रेस कर सकते हैं। और इस वाले कॉर्नर में क्लिक करेंगे और इस प्रकार से ड्रैग करेंगे, राउंड हो जाना है। पिक टूल लिया, आप यहाँ से कोई भी कलर अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ से मैंने राइट क्लिक करना है, आउटलाइन रिमूव हो जाना है। जी प्रेस करेंगे कीबोर्ड में से और यहाँ से मैंने इस प्रकार से ड्रैग करूँगा ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए। और यहाँ से मैंने ये वाला कलर अप्लाई करना है ब्लू कलर इस तरीके से, और साइड में मैंने ब्लैक कर देना है इस तरह से, इधर भी मैंने ब्लैक कर देना है। और इसको थोड़ा सा हम इसको ड्रैग करेंगे इस तरीके से, इधर भी ड्रैग करेंगे इस प्रकार से, लगभग सही है। बाहर के लिख इसको सिलेक्ट करेंगे और इधर कर लेता हूँ बाहर क्लिक डिसलेक्ट। फिर से टूल बॉक्स में से इलिप्स टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल बनाता हूँ और इसी का डुप्लीकेट मैंने इधर भी बना लेना है। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाना है इस तरीके से, और कंट्रोल डी करेंगे, जितना चाहिए इतना आप बना सकते हैं इस प्रकार से। चलिए इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे और नीचे भी ड्रैग करेंगे, नीचे भी डुप्लीकेट बनाएंगे, राइट क्लिक कॉपी हो जाएगा इस प्रकार से। जितना चाहे आप उतना बना सकते हैं, इतना सही है मेरे लिए। सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे, ग्रुप हो जाएगा, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से पावर क्लिप इनसाइड और यहाँ क्लिक करेंगे, इस तरह से ये बन जाना है। बाहर क्लिक डिसलेक्ट। फिर से टूल बॉक्स में से मैंने इलिप्स टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक बड़ा सर्कल बनाऊंगा। पिक टूल लिया और इसका साइज को मैंने डाल लेना है 180x180, इंटर प्रेस करूंगा। डुप्लीकेट के लिए प्लस का सिंबल एक बार प्रेस करूंगा, साइज को मैंने 135x135 और इंटर प्रेस करेंगे, इस प्रकार से ये बन जाना है। बाहर क्लिक डिसलेक्ट। अब टूल बॉक्स में से यहाँ से मैंने स्मार्ट फिल्टर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर फिलहाल के लिए डिफॉल्ट कलर अप्लाई कर लिया, पिक टूल लिया, इसको ड्रा करेंगे इधर, बाहर क्लिक डिसलेक्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे माउस से और राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे। चलिए यहाँ तक लगभग ठीक है। इसको बस इसको सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा हम इसको इधर से एडजस्ट करते हैं, इसको भी मैंने इधर कर लेना है। अब और एक काम कर लेता हूँ, बाहर क्लिक डिसलेक्ट, टूल बॉक्स में से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इस प्रकार से एक रेक्टेंगल बनाऊंगा और इसका साइज को मैंने 22.5x880 और इंटर प्रेस करूंगा, इस प्रकार से बन जाना है। अब यहाँ पर जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मिड पॉइंट पकड़ना है और यहाँ पर डाल देना है, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा नोड, यहाँ पर डाल देनी है। बाहर क्लिक डिसलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से फिर से स्मार्ट फिल्टर को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर फिलहाल के लिए डिफॉल्ट कलर अप्लाई कर दिया, पिक टूल लिया और इसको इस प्रकार से अलग करेंगे, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं इधर। अब यहाँ से मैंने राइट क्लिक करेंगे, आउटलाइन रिमूव हो जाना है, जी प्रेस करेंगे और यहाँ से ड्रैग करेंगे इस तरीके से, यहाँ तक सही है। यहाँ से मैंने ग्रीन कलर अप्लाई करेंगे इस तरीके से और साइड में मैंने ब्लैक करना है, इधर भी ब्लैक करेंगे, थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करेंगे इस प्रकार से, लगभग सही है। तो और थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं इस तरीके से, लगभग ठीक है। बाहर के लिए डिसलेक्ट, अब इसको भी मैंने इधर कर लेनी है। अब इसको सिलेक्ट करेंगे और जी प्रेस करेंगे और यहाँ से फाउंटेन फिल, यहाँ से इलिप्टिकल, थोड़ा सा इसको इस प्रकार से बड़ा करते हैं और यहाँ से ऑरेंज कलर को उठा करके यहाँ पर डालना है इस तरीके से, और ब्लैक कलर को मैंने यहाँ पर डाल देनी है इस तरह से, और एक ब्लैक उठाऊंगा और इधर में डाल देना है इस तरह से। इसको एडजस्ट करेंगे, ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा इधर करते हैं,
सही है। चलिए ठीक है, बाहर क्लिक, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, आउटलाइन रिमूव हो जाना है, इसका डुप्लीकेट इधर बना लेता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा, जी प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैंने कलर अप्लाई कर देना है, ये येलो कलर चेंज कर दिया मैंने, बाहर क्लिक डिसलेक्ट। चलिए इसको थोड़ा सा हम इधर करते हैं, ड्रा करेंगे और इसको भी हम मैंने इधर कर लेना है, हो गया, बाहर क्लिक डिसलेक्ट। फिर से टूल बॉक्स में से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा नोड, जैसे स्नैप हो रहा है ये, इस प्रकार से यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरीका से यहाँ तक मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, यानी कि एक स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, कोई बात नहीं। और टूल बॉक्स में से पेन टूल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, पेन टूल यदि ना दिखे तो यहाँ पर एक बार क्लिक करिए और यहाँ से ढेर सारा टूल मिल जाना है, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और इस वाले कॉर्नर में एक बार क्लिक करेंगे और इस प्रकार से यहाँ तक मेरे हिसाब से लगभग ठीक है। यहाँ डबल क्लिक करेंगे, इस तरीके से पिक टूल लिया, इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे, अलग करेंगे, इधर यहाँ से मैंने वेल्ड करना है, बाहर क्लिक डिसलेक्ट, देख लेता हूँ सही है, इसको मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, इसको इधर एडजस्ट करेंगे और यहाँ से वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल, इस पार्ट को सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब पिक टूल लिया और इस वाले कॉर्नर में पकड़ना है और यहाँ फिर से एडजस्ट करना है जहाँ पर आपको नोड लिखा हुआ मिलना है। चलिए ठीक है, बाहर क्लिक, फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से पावर क्लिप इनसाइड इस प्रकार, और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, इसका आउटलाइन रिमूव हो जाना है, इसको इधर साइड करेंगे, बाहर क्लिक, आप इसको सेलेक्ट करके इधर लाना है, उससे पहले मैंने एक काम कर लेना है, बाहर क्लिक डिसलेक्ट, टूल बॉक्स में से रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, पिक टूल लिया, इसका साइज को मैंने डाल देना है 180x90 और इंटर प्रेस करूंगा, इस प्रकार ये बन जाना है, थोड़ा सा इधर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इसको इधर लाएंगे, चलिए ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मिड पॉइंट ड्रैग करना है, यहाँ पर सेंटर में डाल देना है, चलिए सही है, बार क्लिक डिसलेक्ट, इस वाले पूरे से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से पावर क्लिप इनसाइड और यहाँ क्लिक करेंगे, इस प्रकार से ये बन जाना है, यहाँ से राइट क्लिक, सही है, बार क्लिक डिसलेक्ट, इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से पकड़ना है जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा नोड, इस प्रकार से पकड़ करके यहाँ पर डाल देनी है, इस तरह से अंदर चला गया, शिफ्ट और पेज अप कर दीजिए, ऊपर आ जाना है इस प्रकार से, चलिए ठीक है, बाहर क्लिक डिसलेक्ट, इसको इधर लाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पकड़ना है और इस तरीके से यहाँ पर आपको दिख जाना है मिड पॉइंट, डाल देनी है, बाहर क्लिक डिसलेक्ट, टूल बॉक्स में जाएंगे और अभी हम सेलेक्ट करने वाले हैं 2.9 टूल को यहाँ से, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा नोड, एक बार क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ में, इस प्रकार से ड्रा करेंगे ऊपर की ओर, इस तरीके से बाहर क्लिक डिसलेक्ट, अब इसको पकड़ना है यहाँ पर और इस तरीके से ड्रा करके यहाँ पर डाल देनी है, लगभग सही है, बाहर क्लिक डिसलेक्ट, इस लाइन को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करिए, डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल ए करिए, कंट्रोल जी करिए, ग्रुप हो जाएगा, पी प्रेस करिए, अपना जगह में आ जाएगा, बाहर क्लिक डिसलेक्ट, F4 करते हैं इस प्रकार से, और एक कम कर लेता हूँ मैंने, मेनू बार में जाएंगे, व्यू में क्लिक करेंगे और पेज से पेज बॉर्डर को डिसेबल करता हूँ इस तरह से, और बड़ा देखने के लिए F9 प्रेस करना है, तो इस तरीके से ये दिखाई देना है। तो दोस्तों यही था आज का छोटा सा ट्यूटोरियल, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आने वाले वीडियो में, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।